हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं NIUS क्लास 10 का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है अ टाइगर कम्स टू टाउन। नाउ वी विल गो ऑन टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स कम टू द इंडेक्स क्वेश्चंस 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर को कंप्लीट करना है। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, At the circus, I did not have any chance to study human beings. They had so and so. I got a totally wrong idea. इसमें आपको बताना है, who does I in the above lines refer to? इसमें I कौन है? मैंने आपको एक lesson में भी बताया था. So I जो है वो refer करता है tiger को. The tiger says he did not have any chance to study human beings because he was so engrossed in his act. वो अपने काम में इतना ज़्यादा busy था कि वो ऊपर ऑडियंस को देखता ही नहीं था, या फिर उसके कैप्टन ने उसको हमेशा एक केज में ही रखा था, या उसने लोगों को सिर्फ सर्कस में बैठे हुए देखा था और उसको ये नहीं पता था कि वो कितना डरते हैं टाइगर से। तो इसका आंसर है करेक्ट सी, बिकॉज ही हैड सीन ओनली द पीपल एट द सर्कस व्हाइल ही डिड नॉट रियलाइज दे वर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। At that angle का मतलब क्या है कि टाइगर का ओपिनियन लोगों के बारे में कि वो कैसे परफॉर्म करता है, और उनके स्पेक्टेटर्स का ओपिनियन कि वो टाइगर को सर्कस में कैसे देखते हैं, और कैप्टन का ओपिनियन स्पेक्टेटर्स के बारे में, जबकि ये है टाइगर का ओपिनियन लोगों के बारे में जब वो परफॉर्म करता था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस। They withdrew into their homes and even there remained nervous. All doors and windows everywhere were shut, bolted and sealed. Who does they kaun hai isme? They withdrew wale mein they kaun hai? Tiger and his captain, people at the circus, general public in the town. To hame pata hai ki wo general public thi. Then next, why did they withdraw into their homes? Wo apne gharon mein kyun chale gaye? Kyunki wo tiger se scared the, unko ek alert warning mili thi, और उनको या फिर कहा गया था कैप्टन से कि भाई अपने घरों में घुस जाओ एज अ प्रिकॉशन। वो स्केयर्ड थे टाइगर से। ओके, नेक्स्ट इज, बाय सेइंग सम इवन थॉट दैट आई वाज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ और इन द बेसमेंट। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा था कि मैं वॉल्स के अंदर से निकल के आ जाऊंगा, उनकी छत के ऊपर या उनकी बेसमेंट में उनका इंतजार करूंगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा था। तो जब टाइगर ये बात कह रहा था तो उसका क्या मतलब था? By saying this, the author means to convey that he was unable to pass through the walls. People thought that the tiger could emerge from anywhere and attack them. If he did not wait for his prey, he would have to go hungry. कि इसका ये मतलब हुआ कि वो walls के अंदर से pass नहीं कर पा रहा था, या फिर लोगों के सोच थी कि tiger कहीं से भी आ जाएगा और उनको मार डालेगा, या अगर वो अपनी प्रे को यानी कि अपने शिकार को नहीं मारेगा तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। सो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द सर्कस पीपल वुड यूजुअली, सर्कस में लोग यूजुअली क्या करते हैं? सिट क्वाइटली एंड वॉच टाइगर्स एंटिक्स, शांत रहकर टाइगर के एंटिक्स को देखते हैं, भाग जाते हैं जब टाइगर आता है, या फिर टाइगर को पत्थर मारकर भगा देते हैं, वो शांति से बैठते हैं। टाइगर गॉट अ चांस टू गो आउट इन टू द टाउन बिकॉज टाइगर बाहर कैसे निकला? उसके मास्टर ने उसे अलाउ किया कि वो ग्रीन पास्चर्स में जाकर अपनी भूख शांत करे। उसका मास्टर बहुत क्रूअल था और वो उसके क्लचेस में से भाग खड़ा हुआ। ही फाउंड एन अनगार्डेड पैसेज एंड स्टेप्ड आउट अननोटिस्ड। उसको खुला छोड़ दिया गया और पता नहीं चला वो कब निकल गया। सो उसका मास्टर बिल्कुल क्रूअल नहीं था, क्योंकि एंड में हमने देखा कि उसका मास्टर तो बोल रहा है इसको क्रूअल मत बोलो, तो हम बी ऑप्शन नहीं लगा सकते। हम बोलेंगे कि उसको एक ऐसा रास्ता मिल गया जिससे उसको देखा नहीं गया और वो अननोटिस बाहर निकल गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट कंप्लीट द टेबल बिलो। आपको टाइगर के थॉट्स और लोगों के बिहेवियर उसे देख करके क्या थे वो आपको लिखना है। जैसे कि स्पेक्टेटर्स जो थे सर्कस में वो पीसफुली बैठकर वॉच करते थे सर्कस को। रीजन क्या था? उनको पता था कि टाइगर को पालतू बनाया गया है ताकि वो किसी को हार्म ना करे, ट्रेन किया गया है, और टाइगर को लगता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और फियरलेस है।
लेकिन जब वो रोड पर आया तो लोगों के बारे में जो उसके विचार थे वो चेंज हो गए। किस रिएक्शन से? पब्लिक रिएक्शन क्या था? तो लोगों का रिएक्शन था, दे फ्लेड फ्रॉम द स्ट्रीट, सम क्लाइम्ड, सॉरी दिस एन इज रॉन्ग, क्लाइम्ड द ट्रीज एंड सम हिड इन द ड्रेन्स एंड बिहाइंड द पिलर्स। उनका ऐसा करने का रीजन क्या था? डरे हुए थे टाइगर से, सो दे वर टेरिफाइड ऑफ द टाइगर। टाइगर के थॉट्स क्या थे उनके बारे में? टाइगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, थोड़ा परेशान हो रहा था कि मैं यहाँ पर इनको मारने या बचाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। सो ही वॉज कन्फ्यूज, और यू कैन से ही वॉज अम्यूज, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा था इस सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द टाइगर रियलाइज ही वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट द ओपिनियन ही हैड फॉर्म्ड अबाउट ह्यूमन बींग्स। कब टाइगर को लगा कि उसका जो ओपिनियन था ह्यूमन बींग्स के बारे में वो टोटली रॉन्ग है? उसको तब पता चला जब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। आधा आंसर जो है आप क्वेश्चन में से लेंगे, सो यू विल से द टाइगर रियलाइज्ड का आप रियलाइज्ड कर देंगे क्योंकि डिड था, रियलाइज दैट ही वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट द ओपिनियन ही हैड फॉर्म्ड अबाउट ह्यूमन बींग्स व्हेन ही केम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड सॉ पीपल रनिंग फॉर देयर लाइव्स। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन। गिव एट लीस्ट थ्री रीजंस व्हाई यू थिंक दैट पीपल एट द सर्कस वर नॉट स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। आपको कम से कम तीन रीजन देने हैं जिससे पता चलता है कि लोग जब सर्कस में आते हैं तो वो टाइगर से नहीं डरते। तो पहला रीजन तो है कि सर्कस रिंग हैड एन आयरन रेलिंग अराउंड इट एंड द टाइगर कुड नॉट हैव कम क्लोज टू द स्पेक्टेटर। सर्कस रिंग जो होती है उसके चारों तरफ आयरन की रेलिंग होती है लोहे की, और उससे टाइगर स्पेक्टेटर्स के पास नहीं आ सकता। आपको दूसरा और तीसरा रीजन बताना है, और वो ये हो सकता है टाइगर इज ट्रेन्ड बाय द मास्टर टू फेस द ऑडियंस। Secondly, they are well fed, so they are never hungry enough to attack. Now, let us move on. Now, we have moved on to let us learn new words 5.1. और इसमें कुछ important expressions हैं जो कि हमने story में read किए हैं। हमें उनका meaning बताना है और इन options में से हमें choose करना है। Let's take a look at all of them. First is population was melting out of sight. हमने किया था। क्या वहाँ पर बहुत गर्मी थी? तो लोग गर्मी से बचने के लिए अपने इंडोर्स में जाकर छिप रहे थे, या वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग स्ट्रीट्स पर नजर आ रहे थे, और क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर नालियों में और अपने घरों में छिप गए थे, गड्ढों में छिप गए थे, गवर्नमेंट सेंट आउट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि भाई अपने घर ही रहना है। तो मेल्टिंग आउट ऑफ साइट का मतलब है बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। आई टोर अ हॉर्स, मैंने हॉर्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था, या फिर घोड़ा इतनी तेज भागा कि उसकी वजह से जो कैरेज था वो टूट गया। दूसरी चीज, टाइगर को देखकर घोड़ा इतना डर गया और वो उछल जंप करने लगा जिससे जो कैरेज था उसके जो लगाम थी वो टूट गई। रेन्स इज लगाम थी, वो टूट गई। घोड़ा डर गया होगा टाइगर को देखकर, सो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई फाउंड देम रनिंग लाइक अ हर्ड ऑफ डियर। मैंने उन लोगों को देखा एक हिरण के झुंड की तरह भागते हुए। अब वो लोगों को किससे कंपेयर कर रहा है? एक हिरण के झुंड की तरह, जैसे जब शेर आता है तो हिरण जिस तरह से भागने लगते हैं उसी तरह से लोग भी टाइगर को देखकर भागने लगे थे। और जब भी हम लाइक यूज करते हैं या एज यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं सिमिली। सिमिली का मतलब है जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। सो अब हम कुछ सिमिलीज का एग्जाम्पल लेंगे। सो हियर आर सम सिमिलीज, जैसे एज ब्लैक एज अ कोल, एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, स्विफ्ट लाइक एन ईगल, स्ट्रांग लाइक अ लायन। तो हम या तो एज यूज करते हैं या फिर लाइक यूज करते हैं। अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इन वर्ड्स में से। लीड, स्टार, नाइट, आउल, स्ट्रीम, आइस। As clear as a, क्या चीज क्लियर हो सकती है? As clear as a stream, stream का मतलब है झरना। As heavy as lead, as dark as night, bright क्या हो सकता है? Star हो सकता है। Cold क्या हो सकती है? Ice हो सकती है। और wise हो सकता है owl। इसका next part है, complete the following sentences by using words from the box given below. You may also refer to a dictionary to see the meanings of the words before using them. अब हम सबसे पहले इनके meanings देख लेते हैं। Abandoned हमने बताया था, छोड़ छाड़ कर चले जाना। Spilled का मतलब गिर जाना, कोई liquid चीज़ फैल जाना गिर कर। Nervous, coward,
मतलब CWERED है कवर्ड, VR वाला नहीं है, कवर्ड मतलब ढकना नहीं होता, ये वाला कवर्ड का मतलब डर से सहम जाना, हैंडकफ्ड हथकड़ी लगाना, सीज्ड मतलब छा जाना, ठीक है। सो द डॉग डैश एट द साउंड ऑफ द क्रैकर्स ऑन दिवाली डे, डॉग डर गया, सो कवर्ड एट द साउंड ऑफ द, पुलिस ने क्या किया होगा, पुलिस ने तो हैंडकफ्ड ही किया होगा जरूर, पुलिस हैंडकफ्ड द डेंजरस क्रिमिनल criminal before taking him to the court for his trial. People living on the banks of the river dashed their homes. लोग जो नदी के किनारे रहते थे उन्होंने अपने घरों को क्या किया, abandon कर दिया. Excitement seems to have dashed the soldiers posted on the border when they heard their favorite film stars were going to visit them. जब border पे post हुए soldiers को पता चला उनका favorite film star आने वाला है तो वहां पर एक्साइटमेंट छा गया, एक्साइटमेंट सीज्ड द सोल्जर्स। इफ वी हैड स्टडीड वेल देयर इज नो रीजन टू फील नर्वस, अगर स्टडी किया है तो नर्वस फील क्यों होना है, द बोल ऑफ सूप, सूप का बोल है वो तो गिर ही जाएगा, स्पिल हो जाएगा, सो इट इज सो सिंपल। सो नाउ वी हैव कम टू इंटेक्स क्वेश्चंस 5.2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपको लेसन में से कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं और ये यूजुअली 1-1 mark के होते हैं, तो आपको इनको एक सिंपल सेंटेंस में या कुछ वर्ड्स में इनको आंसर करना होता है। व्हाई डिड द टाइगर टेल अस हिज मेजरमेंट्स, जब टाइगर ये बोल रहा है कि अगर मेरी टेल तुम्हारी स्ट्रीट तक चली जाती है, अगर मैं तुम्हारे रास्ते को डोरवे को ब्लॉक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं 11 feet टॉल हूँ, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। वो ये क्यों कह रहा है, हमें अपनी मेजरमेंट क्यों बता रहा है, आधा क्वेश्चन अगेन आप क्वेश्चन में से ही लेंगे, यू विल से द टाइगर टेल्स अस, टेल्स कर दोगे हिज मेजरमेंट्स टू शो हाउ लॉन्ग ही इज, व्हाट डज ही वांट टू टेल बाय सेइंग आई एम टू फुल, आई एम टू फुल वो क्यों कह रहा है, सो यू विल से अगेन यू विल टेक अ लुक फ्रॉम द क्वेश्चन बाय सेइंग आई एम टू फुल, द टाइगर वॉन्ट्स टू से दैट दे नीड नॉट फेयर हिम, ही विल नॉट अटैक देम, वेयर एंड व्हाट डिड ही हैव फॉर हिज फूड, उसने कहा था ना मैं कुछ ग्रीन फील्ड्स में गया था, ग्रीन पास्चर्स में गया था और वहां पर मेरा पेट भर गया था, सो यू विल से He had found something to eat in the green fields. अब आप ये नहीं बोलोगे कि उसने बकरी खाई या शीप खाई, because we don't know that. So here is your answer. Next question is, never use the words beast or brute. ये बात किसने किससे कही? ये बात कही उसके मास्टर ने टीचर्स से. So you will say the master spoke these words to the teachers. But why did he say so? Because he wanted them to understand. I'll write it here, okay? कि इन harsh words को यूज नहीं करना चाहिए एक सीधे साधे जानवर के लिए. Next is, what does this tell about the speaker? इससे पता चलता है कि speaker कैसा इंसान है. इससे पता चलता है कि speaker बहुत kind है और क्योंकि वो जानवरों को जानता है इसलिए वो इस तरह के गंदे वर्ड्स उनके लिए यूज नहीं करता. सो दीज वर्ड्स शो दैट द मास्टर वाज अ काइंड मैन एंड ही अंडरस्टूड हिज एनिमल्स वेल. ये दोनों अगेन MCQs हैं. द टाइगर वेंट ऑफ टू स्लीप इन द हेडमास्टर्स रूम बिकॉज ही वाज वेरी टायर्ड एंड नीडेड रेस्ट. ही लाइक कूल फ्लोर्स. ही हैड ईटन टू मच एंड वाज फीलिंग लेजी. वैसे तो ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन उसने क्या कहा था कि मुझे कूल पत्थर पसंद आ रहे हैं, तो वील मार्क ही लाइक कूल फ्लोर्स. फोर्थ दिस द मास्टर कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज ही डिड नॉट नो द आंसर. ही थॉट दैट वॉज अ प्रोफाउंड क्वेश्चन दैट कुड नॉट बी आंसर्ड कैजुअली. लिविंग इन द सर्कस विद द टाइगर ऑल द टाइम ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम. उसने आंसर क्यों नहीं कर पाया था बिकॉज इट वॉज अ प्रोफाउंड क्वेश्चन दैट कुड नॉट बी आंसर्ड कैजुअली. वाई वर द कॉफी ड्रिंकर्स एट द रेस्टोरेंट अटरिंग लो मून्स. कॉफी ड्रिंकर्स लो मून्स में इसलिए अपनी कॉफी पी रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे, बहुत ज्यादा डर गए थे. सो यू विल से द कॉफी ड्रिंकर्स वर फ्राइटेंड ऑफ द टाइगर. सीइंग द टाइगर लाइंग एट द एंट्रेंस ऑफ द रेस्टोरेंट they were scared because the doorway was blocked. How was the tiger blocking the threshold? Threshold matlab doorway. Tiger kaise block kar raha tha? Kyunki wo is tarah se baitha tha ki uski jo long body thi wo pure doorway ko block kar rahi thi. So you will write the tiger sat in such a way that his long body covered the entire door width.
नेक्स्ट इज व्हाई वर द स्कूल चिल्ड्रन सो एक्साइटेड, क्योंकि उनकी तो छुट्टी हो गई थी इसलिए दे वर सो एक्साइटेड. द स्कूल चिल्ड्रन वर बोथ एक्साइटेड एंड स्केयर्ड, दे वर ऑल्सो हैप्पी टू नो दैट द स्कूल वॉज गोइंग टू बी क्लोज्ड अर्ली. क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द टाइगर गो फाइनली, टाइगर फाइनली कहाँ पर गया. सो टाइगर फाइनली स्कूल में गया, टू द हेडमास्टर्स रूम. सो द टाइगर वेंट टू द स्कूल, क्लाइम्ब्ड अप द स्टेयर्स एंड फाइनली वेंट टू द हेडमास्टर्स रूम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द हेडमास्टर डू ऑन सीइंग द टाइगर इन हिज ऑफिस. हेडमास्टर ने क्या किया, वो अपनी टेबल पर चढ़ गया एंड हीव्ड हिमसेल्फ अप टू द एटिक. नेक्स्ट इज व्हाई वाज द मास्टर एंग्री विद द टीचर्स. मास्टर एंग्री इसलिए था टीचर्स से क्योंकि वो लोग अनकाइंड वर्ड्स यूज कर रहे थे और उसके लिए बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे. द मास्टर वाज एंग्री विद द टीचर्स बिकॉज दे वर यूजिंग अनकाइंड वर्ड्स फॉर द टाइगर एंड वर रूड टू हिम. लास्ट इज द वर्ड प्रोफाउंड रेफर्स टू समथिंग विच इज फेल्ट और एक्सपीरियंस डीपली और इंटेंसली. जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंट मेथड जो था वो प्रोफाउंड इफेक्ट था, सीरियस इफेक्ट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और इंडिया के लोगों के ऊपर. वो क्वेश्चन बताना है जो कि जो प्रोफाउंड क्वेश्चन मास्टर को किया गया. द प्रोफाउंड क्वेश्चन वाज व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, हु आर यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स का मीनिंग इसमें से आइडेंटिफाई करना है. डिग्निफाइड का मतलब क्या है, रिस्पेक्टफुल एंड ग्रेसफुल, इम्पॉर्टेंट, टॉल एंड हैंडसम. रिस्पेक्टफुल एंड ग्रेसफुल. एंड हीविंग का मतलब है पुलिंग एंड लिफ्टिंग, अपने आप को ऊपर करना. एटिक का मतलब है अ रूम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप, इसमें ब्रूट का मतलब क्या है, वाइल्ड एंड फेरोशियस एनिमल. Why not? Retorted my master. Retorted का मतलब है gave an angry and a quick reply. Let's go on to the antonyms. So antonyms का आपको जैसे good का bad होता है, आपका down, obedient का disobedient, weak का strong, proper का improper, आपको इन antonyms को match करना है. In front of का मतलब है सामने, behind का मतलब है पीछे. Fearful, fearless, उल्टा बताना है. Protect, attack, weak, strong, extraordinary, ordinary. So coward जो है वो extra था. ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें answers ज्यादा होते हैं, questions कम होते हैं, तो हमें choose करने में ताकि difficulty हो. So the level of difficulty is going to increase as you move on. Now you have to complete a paragraph. आपको एक paragraph दिया गया है. इस पैराग्राफ को इन वर्ड्स में से चूज करके आपको ये पैरा फिल करना है. तो लास्ट वीक द चिल्ड्रन ऑफ आवर विलेज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट अर्थ डे इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे. वी डिसाइडेड टू पुट अप अ स्ट्रीट प्ले फ्रॉम थ्रू विच वी वांटेड टू एजुकेट ऑल आवर विलेज एल्डर्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. वी रोड द स्क्रिप्ट, मेड एनिमल मास्क एंड इवन कंपोज्ड म्यूजिक यूजिंग टिन्स, प्लेट्स एंड ब्रूम्स. On the appointed day, we all gathered in front of the park. It was decided that our animal characters would emerge from behind the crowd to add a surprise element. It was fun to see the commotion in the crowds when animal characters jostled their way through them. Through our play, we were able to show how animals could live in peace and harmony if their habitat was not disturbed. The strong animals protected the weak so they could move around in a fearless manner. The village elders appreciated our efforts. They understood the importance of preserving natural resources. So this is a crossword जिसे हमें solve करना है. इस grid में कुछ words और phrases हैं जो हमें fill in करने हैं और वो antonyms हैं, यानी कि opposites हैं. So this is a good, very good exercise for practicing opposites. जैसे आप ये देखो, the one that has been solved for us, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, तो एट का ये क्या होता है, अक्रॉस होता है, और ये होता है डाउन. एट का जो अक्रॉस है वो वीक है, तो वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग. नाउ वी हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली. वायलेंटली का उल्टा क्या होगा, टू पे आएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, पीसफुली.
तो मैं यहाँ पर इनके ऑपोजिट लिख देती हूँ, यू कैन जस्ट फिल इट अप अकॉर्डिंगली. सो वायलेंटली का उल्टा हो जाएगा पीसफुली, ब्यूटिफुल अगली, वीक का उल्टा ऑलरेडी हमें पता है विच इज स्ट्रॉन्ग, ब्रेव पर्सन का उल्टा हो जाएगा कावर्ड. आपने पढ़ा है बुक में COWERED, जो कि डर से सहमना और झुकना इस टाइप का मीनिंग होता है उसका. बट कावर्ड इज अ डरपोक. ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रोसीडेड पॉज्ड, वार्म का हो जाएगा कूल, लाइक का हो जाएगा अनलाइक. ओके देयर आर मोर. रिलीज्ड सीज्ड, रिलीज मतलब छोड़ देना, सीज मतलब पकड़ लेना, पकड़ लेना भी होता है, छा जाना भी होता है. डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब नीचे आना और ऊपर चढ़ना का, एलिवेटेड भी हो सकता है, क्लाइंब भी हो सकता है. केयरफुल केयरलेस, डेंजरसली का होगा सेफली, फियरफुल का होगा फियरलेस, डन का होगा अनडन. ये आप फिल करेंगे अक्रॉस और डाउन करके. नाउ लेट अस लर्न ग्रामर. सेंटेंसेस, एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी एनिमल, आई हैड नो चांस, दे हैड सैट, वो बैठते थे इन देयर सीट्स पीसफुली व्हाइल आई कवर्ड सो एंड सो. आई हैड थॉट, मैंने सोचा था. तो एक तो पास्ट फॉर्म यूज हो रही है, एक हैड लगा हुआ है. सो आई कवर्ड जो है वो है सिंपल पास्ट, दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस सिंपल पास्ट, पर हैड, हैड सैट, हैड थॉट, ये है पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट में हुआ कोई एक्शन और पास्ट में कंप्लीट हो गया. पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि एक्शन है वो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया. That means past perfect tense talks about finished task in the past. तो अब आप देखो ये subject में had लगा दिया, verb की third form लगा दी, and then action. The patient had died before the doctor arrived. The plane had landed by the time we reached the airport. What I'm going to do here, I'm going to tag my video on tenses. That will give you an idea as to all the different kinds of tenses. और उसी के basis पर आपको ये खुद दो tense sentences लिखने हैं, okay? And do let me know in the comments. Now again, reported speech की भी मैंने पूरी video बना रखी है, इसके answer साथ में है. ये imperative होता है, imperative का मतलब order देना, request करना या कुछ instruction देना, advice देना, ये सब imperative sentences में आता है. जैसे Meena said to her friend, work hard so that you succeed. Meena ने अपनी friend को क्या किया, advice किया to work hard. To लगा देते हैं हम इसमें, दैट नहीं लगाते. द फायरमैन सेड टू द रेजिडेंट्स, वेकेट द बिल्डिंग इमीजिएटली. अब इतना जल्दी वाला बात हो रही है तो ऑर्डर, ऑर्डर द रेजिडेंट्स टू वेकेट द बिल्डिंग. ठीक है, शील सेड लेट्स गो, उसने ये प्रपोजिशन दिया, प्रपोज दैट दे गो टू वॉच अ मूवी. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. अगर कमांड है तो आप ऑर्डर लिख सकते हो, इंस्ट्रक्टेड लिख सकते हो, टोल्ड लिख सकते हो, रिक्वेस्ट है तो बेग्ड, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड, आस्क्ड, टोल्ड, एडवाइस है तो advised, recommended, urged, suggestion कोई दे रहा है तो suggested, recommended, proposed. तो ये words आपको काफी help करेंगे reporting verb लिखने के लिए. Now read this conversation between Mr. Patil and his son Gopi. Lock the door after I leave. ये उन्होंने क्या किया? Advise करी उसे. ये क्या कहा? Give mother her medicine on time. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस बात को instruct किया. Finish your homework on time. ये भी उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया या फिर उससे कहा करने के लिए. टोल्ड भी लिख सकते हो, इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हो. नाउ इनविजिलेटर सेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टॉप राइटिंग, ऑर्डर्ड. द ऑफिसर सेड टू द पियोन, ब्रिंग अ फाइल कवर फॉर मी. यू कैन ऑल्सो से आस्क्ड, मंगाया. फॉर मी की जगह कर दोगे फॉर हिम. अनिल सेड टू हिज फ्रेंड, प्लीज टेक आउट द कार व्हाइल आई लॉक द रूम. तो ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है. आई की जगह हो जाएगा ही. लॉक को आप लॉक्ड कर देंगे. द टिकट कलेक्टर सेड टू वरुण, व्हाई डिडंट यू बाय अ फुल टिकट फॉर योर सन. ये तो आस्क्ड हो जाएगा, ये क्वेश्चन फॉर्म है चेंज करने के लिए. तो डिडंट यू बाय है तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का आप पास्ट परफेक्ट कर देंगे. योर सन का हो जाएगा हिज सन. नेक्स्ट इज मे आई बोरो योर इंग्लिश बुक फॉर द इवनिंग, इट विल बी अ क्वेश्चन. द इवनिंग तो दैट इवनिंग कर दोगे. द पेरेंट्स सेड टू द प्रिंसिपल, प्लीज एडमिट आवर डॉटर इन योर स्कूल. उन्होंने विनती करी, प्लीडेड. पेरेंट्स ने करी तो देयर करोगे, आर की जगह, देयर डॉटर इन हर स्कूल. नाउ आई जस्ट स्क्रोल इट अप. फादर सेड टू हिज सन, स्विच ऑफ द टेलीविजन, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड.
फादर टोल्ड भी लिख सकते हो, आज भी लिख सकते हो. आई एम गेटिंग डिस्टर्ब का किसे लिखेंगे, ही वॉज गेटिंग डिस्टर्ब. यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस, एज ही वॉज गेटिंग डिस्टर्ब. अनीता सेड टू निखिल, हेल्प योर यंगर सिस्टर इन हर स्टडीज. तो ये तो भाई एडवाइज है. योर यंगर सिस्टर, हिज यंगर सिस्टर. हितेंद्र सेड टू श्याम, हैव अ कप ऑफ टी विद मी प्लीज. सो यू विल राइट रिक्वेस्टेड. आई सेड टू हिम कम इन, I told him to come in. So these are all the answers. Okay, now this is a paragraph writing, and for this I want you to refer to my paragraph writing video, and I'm going to post the link right over here. मैं आपको फिर भी थोड़ा idea दे देती हूँ कैसे हो सकता है. आपको imagine करना है कि आप एक tiger हैं, you are the tiger in the story. जब आप circus में गए तो बाकी animals जो थे वो आपसे कहानी सुनना चाहते थे. तो आप कोई भी तीन memorable experiences बता सकते हैं. तो एक तो आप tailor का बता सकते हो, coffee वालों का बता सकते हो, और जब वो नालियों में छुप गए थे, that sight was also very weird. फिर वो prisoner वाला बता सकते हो, जो पुलिस उसको prisoner को, constables जो थे prisoners को छोड़कर भाग गए थे. Then you can also tell about the master, the headmaster who just got up from his table and heaved his way up to the attic. So you can mention any of these ideas in your paragraph writing. Koi bhi three aapko ideas include karne. And with this, we have come to the terminal questions. Now let's do the terminal questions. So the order jo hai iska mixed up hai. Now based on your understanding of this, you have to answer, you have to put all these into the करेक्ट ऑर्डर. पहले उनको क्या मिला था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, एंड सो ऑन. एंड आई एम गोइंग टू लीव इट ऑन टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. इट सेड मास्टर डिड नॉट लाइक पीपल यूजिंग हार्श वर्ड्स लाइक ब्रूट और बीस फॉर द टाइगर. व्हाई? टाइगर वॉज ट्रेन्ड एंड टेम्ड वेरी वेल बाय हिज मास्टर. ही ओबेड हिज मास्टर्स इंस्ट्रक्शंस. द टाइगर एंड द मास्टर शेयर्ड अ क्लोज बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. द मास्टर लव्ड द टाइगर एंड वॉज वेरी श्योर दैट ही वुड नॉट हार्म एनीवन. He did not like anyone to make harsh and undignified remarks about the tiger without even trying to understand him. Third says, you are asking a profound question. I have no idea who I am. All my life I've been trying to find the answer. Are you sure you know you who you are? Aapko master ka response explain karna. The speaker expresses the confusion that he has about his identity in the given lines. He enunciates that the idea of oneself is very vaguely defined and the search of one's identity is a lifelong one. He questions the listener if he knows who he is and hits upon the fact that nobody knows who they are exactly. He confessed that he has been searching for an answer all his life and is yet to find one. And with this, we have completed today's video. I hope you have understood. Stay tuned for more content and do like and subscribe to my channel. Bye. Have a good day.